सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? जी सर बहुत अच्छा हूँ सर। और किस में सिलेक्शन हुआ आपका? सर एसओ मार्केटिंग ऑफिसर में। एसओ मार्केटिंग ऑफिसर में। चलिए बहुत बढ़िया। कब से तैयारी कर रहे थे? अच्छा, सर मैं तो पहले बंधन बैंक में जॉब करता था। एमबीए के बाद वहाँ पे 2.5 साल जॉब किया। उसके बाद मैं ईसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज्वाइन किया और बंधन बैंक छोड़ते हुए मैं शादी भी किया था। और फिर ईसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीबन 2 साल जॉब किया और फर्स्ट अप्रैल को मैं 2023 1 अप्रैल को मैं रिजाइन दिया। इसी चलते रिजाइन दिया कि मतलब मैं जब भी आईबीपीएस का एग्जाम देता था मुझे लगता था अंदर से कि मैं क्रैक कर सकता हूँ कुछ भी एग्जाम। मतलब ये एग्जाम मेरे लिए पॉसिबल है। और तभी से सर आप लोगों का वीडियो देखा था, खास कर आपका, आशीष सर का और मैम का, निमिषा मैम का। तो मैं पहले सर उसमें भी था, पिछले वाले प्लेटफॉर्म पे, और फिर आपने शुरू किया तो फिर इसमें आ गया, जल्दी से ज्वाइन कर लिए यहाँ पे। तो तब से सर आप ही तीनों को फॉलो किया हो और किसी को फॉलो नहीं किया हो। तो मतलब तैयारी जब आप कर रहे थे तो जॉब के बिना मतलब कैसे चल रही थी जिंदगी फिर आपकी? सर मैं करीबन करीबन 4.5 5 साल जॉब किया था और मेरे पापा का एक बिजनेस भी है और फार्मर भी है, दोनों एक साथ मतलब मल्टी टास्क टास्क पीपल मेरा मतलब मेरे फादर हैं। तो मैं फादर को भी कन्विंस किया कि पापा मैं अगर कुछ दिन प्रिपरेशन करूँ, अगर 1 साल 2 साल मुझे टाइम देंगे। तो पहले तो पापा माने नहीं क्योंकि मैं शादीशुदा था और मेरा अभी 1 ईयर का एक डॉटर भी हुआ है, तो वो मान नहीं रहे थे। बट मैं किसी तरीके से उनको कन्विंस किया कि मुझे 1 साल दिया जाए, 1.5 साल। तो पापा फिर मान गए क्योंकि पापा को भी थोड़ा ये था कि हाँ मेरा लड़का अगर इतना जिद से बोल रहा है तो कर भी सकता है, 1.5 साल देख लेगा, नहीं तो फिर वो कॉरपोरेट सेक्टर में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो सर फिर मेरा पापा को भी मान लिए और फिर रिजाइन देके फिर घर पे प्रिपरेशन चालू किए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर पुरुलिया का, वेस्ट बंगाल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ, आरसा में। तो काफी मतलब आपका स्टोरी सुन के लगा कि यार मोटिवेशन हो तो ऐसा कि भाई मतलब मैरिड होके फिर बेटी भी है और उसके बाद परिवार को भी संभालना है, साथ में पढ़ाई भी करना है। बहुत अच्छा लगा सुन के ये चीज को। हमारे साथ एक नई कैंडिडेट और यहाँ पर जुड़ी हैं, शुभश्मिता। हेलो, नमस्ते सर। हेलो सर। नमस्ते। किस में सिलेक्शन हुआ आपका? सर मेरा SBI PO में पहले हो गया था, अभी IBPS PO में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है फिर पीओ बन के? तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा मतलब फीलिंग है। सर आपकी एज कितनी है अभी? तो मेरी एज अभी 23। 23। तो कब से तैयारी चालू किया आपने? तो मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था सितंबर 2021 में, मैंने तभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरा जो पहला एग्जाम था वो मैंने 2022 में दिया था क्योंकि मेरा एज नहीं हुआ था तभी इसलिए। तो आप मतलब बैंक में आने का कैसे सोचा आपने? तो जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया कि कहाँ करियर बन सकता है, तो मुझे बैंकिंग थोड़ा पसंद था पहले से ही, तो मुझे लगा कि यहाँ मतलब मैं अच्छा कर सकती हूँ। जैसे सब्जेक्ट वगैरह रीजनिंग हुआ, क्वांट्स हुआ, इंग्लिश, तो मुझे लगा हाँ कर सकते हैं, तो उस वजह से स्टार्ट किया मैंने। तो कैसा लगा मतलब तैयारी? बैंकिंग की तैयारी इजी है बोल सकते हैं या हार्ड लगी आपको? सर अगर आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो इजी है, ऐसा कुछ मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन कर दिए फिर 3 दिन छोड़ दिए फिर 2 दिन कर दिए, वो थोड़ा नहीं मतलब उससे नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मैटर करेगा काफी, और फेलियर तो होंगे ही। मेरा भी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, मेरा जो पिछले साल की बात है 2023 अप्रैल में जब IBPS PO का रिजल्ट आया था, मेरा उसमें 0.6 से फाइनल सिलेक्शन जाया गया था पिछली बार। और SBI PO का मैंने प्री भी क्लियर कर लिया था लेकिन मेंस भी मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था,
तो लेकिन इस बार SBI PO भी हो गया और IBPS PO भी हो गया, और अभी मेरा SBI क्लर्क का भी रिजल्ट आना बाकी। चलिए, तो ये काफी अच्छी बात हो गई उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने पिछले साल 0.6 और इतने छोटे छोटे नंबर से रुक गई थी, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत तो रोकी नहीं, कंटिन्यू किया और इस साल फाइनल सिलेक्शन ले लिया SBI PO में, IBPS PO में। तो आप लोग भी कंटिन्यू ऐसे ही करिए। तो यहाँ रविंद्र जी से पूछना चाहेंगे, रविंद्र जी आप कुछ मोटिवेशन या कुछ एडवाइस टिप्स देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो अभी नई तैयारी चालू कर रहे हैं? सर मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपके अंदर आप सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आपके लिए एज नहीं मैटर करता है। जो क्राइटेरिया है वो तो है ही सर, एज नहीं मैटर करता है, क्योंकि मैं आज 28+ हूँ सर, और मैं ऐसे स्ट्रगल करके मतलब क्लियर कर पाया हूँ, ये भी बड़ी बात है। और मैं एक चीज सोचता हूँ, मैं मतलब आप सर बोलते ही हैं हमेशा कि हमेशा एक ही सर से पढ़, क्यों, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरे लिए, क्योंकि सर मैं कभी भी दूसरे सर या फिर दूसरे किसी को फॉलो नहीं किया हूँ, और मैं मतलब नहीं किसी के और किसी के नाम भी नहीं जानता हूँ। तो इसीलिए मेरा एक थॉट है कि मतलब चीजों जो कॉन्सेप्ट है मतलब एक एक बार में ही क्लियर हुआ, और दूसरों दूसरा जो दूसरा प्रोसेस करते हैं मतलब दूसरा सर का जो प्रोसेस होता है उसमें भी नहीं मैं उलझा, तो इसीलिए मेरे लिए 1 साल में ये पॉसिबल हुआ सर। तो ये मैं कंसिस्टेंसी तो, बोलूंगा कि हाँ हाँ सर, ये बोलूंगा कि एक सर से पढ़िए, ये बहुत बेनिफिट होता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जितने टीचर्स चेंज करोगे हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं जी अलग जी तरीके सर, से वही पढ़ाता हूँ, वही दूसरा वही अलग तरीके से पढ़ाता है, तो उतनी जल्दी जी फिर सर, मैनेज और नहीं हो पाती। आपका थ्रेड मेथड तो सर बेस्ट है, बेस्ट। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के ये चीज, थ्रेड मेथड की तारीफ तो आज हो ही रही है, काफी सारे लोगों ने कर दिया है। तो आप सुभस्मिता जी, आप बताइए कि आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी अपने छोटे भाई बहनों को या बड़े भैया दीदी को जो तैयारी कर रहे हैं काफी समय से, जिनका नहीं हो पाया, कुछ रीजन से उनका रुक गया, तो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे उनको? एडवाइस तो वैसे मतलब यही रहेगा कि आप कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसा चीज है जो ऐसा नहीं है कि किसी का 1 साल में निकल गया तो फिर मेरा भी निकलना ही चाहिए। हर किसी की जर्नी अपनी अपनी होती है, हर किसी का मेहनत अपना अपना होता है, किसी का 1 साल में निकल जाता है, किसी को 5 साल भी लग जाते हैं, लेकिन एक चीज जो मैटर करेगा वो है कंसिस्टेंसी। हम कितना अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहते हैं, कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि पिछले साल मैंने भी फेलियर देखा है। अगर मैं उस चीज पे लेके बैठ जाती कि मतलब मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो फिर आज शायद मैं यहाँ पे ना होती। तो फिर मैंने उसको छोड़ा, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया। जैसे कि एक चीज मतलब बहुत मैटर करेगा कि आप टीचर्स ज्यादा चेंज ना करें, एक ही टीचर को फॉलो करें, क्योंकि उस सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो आपको जिसे समझ में आता है अब उनको पढ़िए, फिर आपको मतलब ज्यादा आप कैच कर पाएंगे उनके टेक्निक्स को, फिर आपको ज्यादा मतलब मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। उसी चीज को कंटिन्यू रखिए, फिर आपको मतलब सक्सेस मिलनी ही मिलनी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, आप दोनों को बधाई, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे से बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करिए और भी आगे लाइफ में, आप ऑल द बेस्ट आप दोनों को। बोलिए थैंक यू सर, जी। थैंक यू सर। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एक बार सर, आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ सर, मैं देखिए, आपसे बिल्कुल काफी प्रभावित बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मिल सकते हैं, हम लोग एक छोटा सा मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिल्ली में, तो आप लोग दिल्ली आके मिल सकते हैं हमसे, ये 7 तारीख के आसपास होने वाला है और आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा कि कब मीटअप हो रहा है। जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं सभी को, सभी के साथ हम मिलकर ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो आप इन्वाइटेड हैं उसमें, बिल्कुल आइएगा। आप लोगों को कॉल भी कर दिया जाएगा और आप लोगों को मेल भी आ जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को यूट्यूब पे भी पता चल जाएगा कि कब कहाँ पर हो रहा है। ओके ओके सर, थैंक यू तो सर। अगर आप आ सके तो वो आपके ऊपर है, मतलब काफी सारे स्टूडेंट अब बहुत दूर वाले हैं तो वो तो नहीं आ पा रहे, जो आसपास के हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, कनेक्टिविटी थोड़ी ठीक ठाक है, तो वो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल आएंगे, तो आप लोग भी अगर आ सके तो बिल्कुल आइएगा, ठीक श्योर है? सर, एक चीज बोलना, पूरा 100% कोशिश करूंगा सर। ओके, बिल्कुल, हाँ जी, बताइए आप। सर हाँ सर, मुझे एक चीज और बोलना है कि
जैसे हम लोग मतलब काफी जगह पे देखते हैं कि रीजनिंग को काफी मतलब बच्चे मतलब अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि रीजनिंग में मार्क्स मतलब पजल वगैरह नहीं बनते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली जो आईएमपीएस पीओ का प्री हुआ था 23 में, जो मैंने मतलब अभी जिसका फाइनल रिजल्ट निकला है, रीजनिंग में मेरे 35 out of 35 आए हैं। और क्लर्क जो आईबीपीएस क्लर्क का, हालांकि मेरे क्लर्क का प्री नहीं निकला था, लेकिन रीजनिंग में मेरे 33.75 मार्क्स थे और पीओ के प्री में मेरे रीजनिंग में फुल मार्क्स थे। तो ये और ये सब आप ही की वजह से हुआ है, आपसे ही पढ़ के मैंने जितना भी सीखा है रीजनिंग का, चाहे थर्ड मेथड हो, मैजिक बॉक्स हो, सब सब ये चीज मुझे बोलनी। बहुत अच्छा लगा यार ये सुन के। मतलब ऐसा फील हो रहा है ना कि चलो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, कम से कम वो तो वैल्यू किए हैं इसलिए सिलेक्ट हो गए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वैल्यू करते हैं, बातों को समझते हैं। कुछ लोग रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं हम तो खुद ही कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, रीजनिंग में सब कुछ पॉसिबल है। पजल ऐसा नहीं होता कि पजल नहीं बनते। मिसलेनियस के पीछे अगर पड़े रहोगे तो सिर्फ वही 10 12 15 नंबर ही मिलेंगे। पजल 20 नंबर के आते हैं प्रीलिम्स में, और आपको पजल बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। ये अच्छी लगी आपकी बात। पर इस बार मतलब मेंस में भी पजल का काफी ज्यादा वेटेज था, मेंस जो आईबीपीएस मेंस हो गया बिल्कुल एसपीएस दोनों में, मेंस बिल्कुल मतलब आपकी, मिसलेनियस तो था ही नहीं, सिर्फ पजल ही था। हाँ ये चीज मैंने बोली भी हुई थी कि मिसलेनियस बहुत कम आया था। 10 12 12 14 नंबर का मिसलेनियस आया था, और लगभग 20 25 25 से 30 नंबर का पजल आया था, बाकी के क्रिटिकल थे। तो पजल में अगर कमांड अच्छी है तो आराम से 20 30 नंबर तक खींचा जा सकता है। हालांकि मेंस में तो 15 नंबर भी बहुत होते हैं, बट 20 30 तक खींचा जा सकता था काफी। तो अच्छा लगा बात करके आप नहीं, दोनों से। और कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? तो थैंक यू सर, नहीं, बस आशीष यही सर बोलना सर है। आपसे मिलना है सर, बिल्कुल आपसे बिल्कुल, आशीष दोनों सर से से, मिलना है, निविशा मैम से। बिल्कुल तीनों से आप मिल सकते हैं। जो होने वाला है मैंने बता दिया आप लोगों को, बस उसका डेट और वेन्यू फिक्स हो जाए तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यूट्यूब पे हम लोग वीडियो बना के बता देंगे कि कब कहाँ पर हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल आइएगा वहां पर मिलने के लिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।